अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं लच्छेदार पराठा, जिसके लिए हम चीज़ें ले रहे हैं: 2 कप आटा, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 कप पानी। सबसे पहले हम नमक डालेंगे आटे में, चीनी डालेंगे और ऑयल डाल देंगे। ऑयल या घी आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं, और इसको हाथ के साथ इस तरह करते जाएं। अब इसे पानी से गूंद लेंगे। अब इसे गूंदते जाएंगे, इसे अच्छे से गूंद लेना हमने। ये देखिए तैयार आटा हमने गूंद लिया। अब इसे हम किचन टॉवल गीला करके इसके ऊपर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, अब इसे उतार देंगे। ये देखिए ये तैयार है। इसके पेड़े बना लेंगे हम, थोड़ा सा हुचका लेंगे। इस तरह पेड़े बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने 6 पेड़े बना लिए। अब एक पेड़ा पकड़ेंगे, थोड़ा सा कुछ आटा फेंकेंगे, फल से बेलेंगे। इतने साइज की हमने रोटियां बेल के रखते जाना, ये साइड पर रखते जा रहे हैं हम। अब दूसरे को बेलेंगे। दो हमने तैयार कर लिए, इसमें थोड़ा सा घी या ऑयल लगाएंगे। आप घी या ऑयल दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। फिर थोड़ा सा खुश्क आटा इस तरह करेंगे। करने के बाद फिर जो दूसरी बेली हुई है ये ऊपर रख देंगे। अब ये हमारी तीसरी रोटी है, इस पर थोड़ा सा फिर से ऑयल गिराएंगे इस तरह चम्मच। ये जो तीसरी है ये ऊपर रख देंगे इसके, इस तरह ये तीसरी भी रख दी। अब चौथी को बेलेंगे हम। फोर वाली को हमने बेल लिया, अब फिर से घी लगाएंगे, थोड़ा सा आटा गिराएंगे इसके ऊपर। फोर वाली को ऊपर रख देंगे, ये हो गया। अब फाइव वाली को बेलेंगे। फाइव वाली भी होगी, फिर से वही करेंगे जो पहले किया। ये गई फाइव वाली। अब सिक्स वाली लास्ट। इसको भी हमने वैसे ही करना है। अब ये सिक्स वाली लास्ट है, इसको ऊपर रख देंगे। अब इन सबको पकड़ के इस तरह हमने दबाना है। आप सोच रहे होंगे इतना मोटा पराठा, ये देखें। अब इसे हम बेलेंगे। वैसे हमने बड़ा सा बेल लिया,
उसकी कटिंग करेंगे। ये हो गया, अब इसके हम रोल करेंगे इस तरह। ये बहुत छोटा है, अब इसके ऊपर फिर से ये रखेंगे। अगर आपको इतना साइज भी नहीं पसंद, बड़ा साइज पसंद है, तो आप इसे एक और ले सकते हैं। इस तरह से लच्छा परांठे का पेड़ा तैयार किया हमने। थोड़ा सा मैदा भी लूँगी और इसे रख दूँगी यहाँ साइड पे, ठीक है। अब दूसरा तैयार करेंगे, अगर चाहें तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ा वाला है। अब ये छोटा वाला मैं बना के दिखा रही हूँ, तीन लेयर्स का। ये लास्ट वाला जो हमने चार पेड़े तैयार किए हैं, अब हम इसके परांठे बनाएंगे। सबसे पहले जो हमने पहला बना के रखा था उसे बेलेंगे हम। कुछ काटा ले आएंगे बेलन से। ये हो गई, अब इसे हम तवे पर डालेंगे। अब इसे हम तवे पर डालेंगे। ये देखिए, फ्लेम को मीडियम रखें, ज़्यादा जलाना नहीं है इनको। इसमें ऑयल लगाएंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे। ऊपर से थोड़ा ऑयल लगाएंगे। अब इसे निकालते जाएंगे, इन्हें ज़्यादा कलर नहीं देते। अब से निकाल लेंगे, ये निकाल लिया। अब दूसरा तैयार करेंगे। ये जो हमने बड़ा वाला बनाया था उसका हम पराठा बना रहे हैं, इसके साइड चेंज करेंगे। अब इसे निकाल लेंगे। अब ये लास्ट वाला जो हमने छोटा तैयार किया था, वो वाला आप इसे मैदे में बनाएं, वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आटे में ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं, मैदे में ज़रा क्रंची क्रंची होते हैं। प्यार है लच्छेदार पराठे, हमने आटे में बनाए हैं क्योंकि हमें किसी ने रिक्वेस्ट की थी आप आटे में बनाना सिखाएं हम। लेकिन अगर मैदे में आप बनाएंगे तो बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप मैदे में बना रहे हैं तो आप 2 कप मैदा लें और 1 कप आटा लें, तो आप इसके पराठे बनाएं तो बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। अब आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।